हेलो बडीज, आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है गार्गी, आल्सो नोन एज किनार कॉस्प्ले। हाय गाइस। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लाइक नेम नेम और एज और आप कहाँ से हैं। ओके, सो हाय गाइस, मैं गार्गी हूँ, also known as Ganor, Ganor's cosplay, Ganor cosplay, whatever you want to call it. I'm actually going to turn 19 this 27th and I live in Allahabad, UP. That's all I can say. मतलब मैं बहुत ही अजीब जगह पे रहती हूँ, but I love anime, I love cosplay. So yeah. बर्थडे आने वाला है, पार्टी। अरे पार्टी तो कुछ कहाँ से ले, लिटरली तुम लोग को कहाँ से मैं पार्टी लूंगी इस माहौल में। पेटीएम ऑनलाइन डिलीवर कर यार, देना। तुम लोग के पास पैसे हो तो बताना, थोड़ा दाना दे दो, हमें फंड करने में अच्छा लगता है अपना कॉस्प्ले दूसरे लोगों से फंड कराने में। देख सीरियसली, कॉस्प्ले इज अ वेरी यू नो एक्सपेंसिव हॉबी, तो अपने को बहुत पैसा तो जाता ही रहता है पानी की तरह। एक बार था कॉस्प्ले करने का, लेकिन जब मैंने रेट देखा तो मैंने कहा रहने दो। इसलिए आई कैन टेक टू इसलिए खुद बना लेना चाहिए पैसे की बचत। तो तुमने कॉस्प्ले ही करने का क्यों सोचा, मतलब कॉस्प्ले ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? लाइक सो बेसिकली माय पैशन, जो जिस चीज को कहूंगी वो मेरा आर्ट वगैरह है। आई लाइक ड्रॉ, पेंट एंड व्हाटएवर, बट लाइक मेरे को पहली बार, मैं फेमिलियर नहीं थी कॉस्प्ले के कॉन्सेप्ट में। लाइक जब मैं कुछ एट्थ नाइन्थ में थी, तब मैं इतना फेमिलियर नहीं थी कि कॉस्प्ले एग्जैक्टली होता क्या है। फिर मैंने जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैंने देखा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग चीज है, बहुत मजा आ गया देख के उसको। उसके बाद मैंने देखा कि इंडिया में भी लोग करते हैं और मैं पागल हो गई उस समय। मैंने कहा कि अरे, नाइन्थ क्लास की बात है जब मुझे पता चला था इंडिया में कॉमिक कॉन्स होते हैं, और मेरा इतना एक्साइटमेंट था कि मैंने सिर्फ 2-3 साल बैठ के सिर्फ कॉमिक कॉन जाने के सपने देखे और पैसे जमा किए। फिर लाइक फिर एंड में क्या हुआ कि 2018 में मेरे को चांस मिल गया, क्योंकि मेरी बहन का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, तो शी वाज लाइक कि तू आ जाइए कॉमिक कॉन के टाइम, मस्त रहेंगे, साथ में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा यार कॉमिक कॉन ऐसे नहीं जाएंगे, कॉमिक कॉन में ना मस्त मेमोरीज लेके जानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा इस पर कॉस्प्ले करेंगे। अब पैसे तो थे नहीं, पैसे उस चीज के थे कि कॉमिक कॉन की टिकट खरीदने के पैसे, मतलब मैं सब कुछ VIP चाहती थी उस समय। मतलब मैंने वो 3-day पास खरीदा, बल्कि मैं एक दिन गई, ठीक है, और मैंने पता नहीं क्या क्या खरीदने के लिए पैसे किए, खर्च किए, मतलब यू नो कलेक्ट किए थे। मैंने कहा कि कॉस्प्ले के लिए, अब कॉस्प्ले के लिए क्या हुआ कि मेरे पास क्लब फैक्ट्री था उस टाइम पे चल रहा था, तो मैंने एक माय हीरो एकेडमी की कॉस्ट्यूम खरीदी होगी और विग एक भी कैरेक्टर की नहीं थी। तो मैंने कहा यार ऐसे तो कॉस्प्ले हो ही नहीं पाएगा, कैसे करेंगे। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि चलो हम लोग इंडियन बन जाते हैं और जुगाड़ू काम करते हैं। लाल विग खरीद के इजरो किरीशिमा, हाँ लाल विग मैंने खरीदी और इजरो किरीशिमा का वो किया जेंडर बैंड। और लाइक मुझे लगा कि मैं बहुत स्टूपिड लगूंगी, बट एक्चुअली इट वाज रियली ग्रेट, और मुझे इतना मजा आया कॉमिक कॉन में, इतना मजा आया, लोग एक्चुअली पहचान पाए, कुछ लोग थे जो पहचान पाए, जिसमें से दायक आगे भी है एक, मैं दायक आगे से वही मिली थी, एंड लाइक शी वॉज ग्रेट, और बहुत मजा आया। मतलब वहां से मैंने सोचा कि इतना भयानक रिस्पांस मिला है, इसको तो रुकेंगे नहीं, इसको तो और करेंगे आगे। फिर मैंने एक साल में रुक गई, मैंने बहुत कॉस्प्ले पे ध्यान नहीं दिया, बट क्या कहते हैं, फिर मैंने लाइक थोड़े पैसे, हाँ लाइक पैसे ऐसे जमा किए, वेगे खरीदी, फिर मैंने 2020 में सोचा अब एक अकाउंट बनाएंगे कॉस्प्ले का। तो मैंने अकाउंट बनाया, और मेरे पास उस समय, मैं बता रही हूँ उस समय आई गेस मेरे पास सिर्फ 2 ही विक्स जब मैंने स्टार्ट किया था कॉस्प्ले का अकाउंट, बट मैंने उससे कुछ जुगाड़ उगाड़ करके धीरे धीरे चालू किया, एंड देन आई स्टार्टेड टू बाय मोर विग्स, कॉस्ट्यूम्स एंड यू नो स्टफ, अदर स्टफ। और फिर मैंने लाइक आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग कमीशन वर्क, सो दैट आई कैन फंड माई ओन कॉस्प्लेज, और मुझे हर महीने वेट नहीं करना पड़ेगा यू नो पॉकेट मनी का, और 6 महीने तक
कॉस्ट्यूम उस समय मैं बहुत नहीं खरीद पाती थी. लाइक मेरे पास एक ही कॉस्ट्यूम था उस टाइम पे, जो था मेरा माई हीरो एकेडमी की स्कूल यूनिफॉर्म जो थी मेरे पास, वही थी. बाकी फिर मैंने जब लाइक जो पैसे जमा हुए उससे मैंने लाइक पहले विग्स खरीदना स्टार्ट किया. फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे छोटी मोटी कॉस्ट्यूम जो मुझे सस्ते में मिल जाती थी क्लब फैक्ट्री में, मतलब मुझे तो बहुत ही सस्ते में कॉस्ट्यूम मिले, तुम लोग तो विश्वास नहीं करोगे, इतने सस्ते में मुझे कई बार कॉस्ट्यूम मिलती थी तो मैं खरीद लेती थी. बस इसी तरीके से बहुत शेडी साइड थी पर बहुत बड़ा सेवियर था, क्योंकि उसमें बहुत ही सस्ते सामान मिलते थे. अब तो सिर्फ मतलब अमेज़न ही एक जरिया है, जैसे अमेज़न और कुछ कॉस्प्लेयर्स भी हैं जो बेचने लगे हैं कॉस्ट्यूम वगैरह, तो इट्स वे मोर इजियर. मतलब है इजी है, थोड़ा सा महंगा है, बट अब क्या करें, दे रहे हैं सामान का पैसा तो करना ही पड़ेगा. क्या करें, करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा. और तुमने अपना इंस्टा का नाम गैनोर कॉस्प्ले क्यों रखा? सो गैनोर जो मेरा नाम है, इट जनरेटेड नॉट बिकॉज ऑफ माई कॉस्प्ले, इट एक्चुअली जनरेटेड व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड और मुझे एक आर्ट अकाउंट बनाना था अपने इंस्टाग्राम के लिए. So I was just, you know, बैठी हुई थी क्लास में और मैं सोचती क्या नाम रखे. तो मैंने कहा कुछ ऐसा नाम रखेंगे जिससे मेरा पूरा नाम गार्गी मिश्रा है, ठीक है. तो इट वेंट लाइक आई वॉन्ट समथिंग जिसमें मेरे इनिशियल GM ही रहे. तो मैं सोच रही थी और वहाँ पे हम फ्रेंच एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, मैंने सोचा ग ग ग गनोर, पता नहीं फ्रेंच टच. तो गैनोर और आगे मैंने मार्सेला लगा दिया. तो इट वॉज माई आर्ट अकाउंट, उसमें मैंने आर्ट मैंने बनाना स्टार्ट किया था. और लाइक एनिमे उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा देखने लगी, लाइक मैं बहुत पहले से ही देखती थी, बट मैं कुछ क्योंकि 4G आ गया था ना तो मस्त हम डाउनलोड मार के देखते थे. मस्त एकदम धुआंधार डाउनलोड, हाँ बहुत. तो मैंने इतना बनाया एनिमे डिज्नी और पता नहीं क्या क्या. फिर मैंने धीरे धीरे उस अकाउंट को चलाना स्टार्ट किया. फिर जब 2020 में मैं से बैठी थी और मैंने सोचा यार कॉस्प्ले अब प्रोसेस को ध्यान देना होगा, तो मैंने उसी से अपना कॉस्प्ले अकाउंट बनाया और मैंने यूजर नेम गनोर डज कॉस्प्ले कर दिया. मतलब इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ स्टेज नेम फॉर मी. तो या इस टाइप की स्टोरी है इस नाम के आगे. बस बहुत बढ़िया स्टोरी है, ठीक ही है. आई डोंट नो, इट रियली यू नो आई गेट लाइक यू नो मिसअंडरस्टूड फॉर अ रेसिडेंट ऑफ गन्नौर, जो कि एक जगह है इंडिया में जिस which is very very weird because like people come to me like do you live in Gannur? गन्नौर एक बार आए, इतने बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि गन्नौर में रहती है क्या आप, गन्नौर में. मैंने कहा अबे यार तू जाना क्या है, मेरे को नहीं बनानी तुझसे रिश्तेदारी, इरिटेट मार रहा है इतनी देर से. तो पर पता क्या, दिस नेम बेसिकली मेरा मेजर एम ये था कि ऐसा नाम चुनेंगे जो किसी के पास है ही नहीं. तो जब तुम गूगल करोगे गूगल करोगे तो गैनोर मार्सेला गैनोर डज कॉस्प्ले ही आएगी, मतलब ही नहीं आएगी बट हाँ मैं थोड़ी प्रोमिनेंट रहूंगी. एंड एक्चुअली दैट वर्क्ड. सो व्हेनेवर समटाइम्स गूगल मायसेल्फ तो आता है कि इसकी आर्ट है, इसके अभी कॉस्प्ले भी है. मैंने कहा अरे अपना हम तो फेमस है भाई, इधर उधर तो ऑटोग्राफ किसी को. बट नहीं, बेसिकली दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी ऑफ यू नो आफ्टर नेमिंग माई सेल्फ दिस वियर्ड एस नेम. आई लाइक इट दो, सुनने में अच्छा है. सबसे डिफरेंट और यूनिक. आई मीन लाइक इट्स ओके, इट डज नॉट मीन एनीथिंग अदर देन अ नेम ऑफ अ सिटी. या एब्सोल्युटली.